परसों से भाजपा का उल्टी गिनती शुरू हो गया है और इसीलिए बहुत सारे लोगों को लूज मोशन भी शुरू हो गया है। अब कोई न डरने वाला है न कोई हारने वाला है, ये बीजेपी के जाने का काम शुरू हो गया है। अब बीजेपी ये बात भूल गई है कि उनके नेता को लालू यादव यहाँ से, जैसे कि वो जब ले कर रथ चले थे मंदिर बनाने वाला, तो गिरफ्तार करके पिंजरा में बंद किए थे। नमस्कार, देख रहे बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि राजद नेता उदय नारायण चौधरी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला और साफ साफ कहते दिख रहे हैं कि बीजेपी के लोग ये भूल गए हैं कि उनके नेता का रथ लालू यादव ने ही रोका था और रोक के उनको जेल भेजा था। और वही नहीं, ये भी कह दिया कि बीजेपी के लोगों को लालू प्रसाद यादव को जैसे ही देखते हैं उन लोगों को लूज मोशन होने लगता है और साफ साफ कहते दिख रहे हैं कि शादी हुआ नहीं और बीजेपी के लोग कहते हैं कि बच्चा का नाम रख दीजिए। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं राजद नेता उदय नारायण चौधरी, पहले आप इस वीडियो में देखिए। बीजेपी के नेता जो हैं आप ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव भूल गए कि पिंजड़े में क्या जो है बीजेपी ने ही करवाया था। आप बीजेपी ये बात भूल गई है कि उनके नेता को लालू यादव यहाँ से, जैसे कि वो जब ले कर रथ चले थे मंदिर बनाने वाला, तो गिरफ्तार करके पिंजरा में बंद किए थे, ये भी वो लोग भूल गई है। तो वो लोग बदला ले रहे हैं। क्या लग रहा है लालू प्रसाद यादव को डराने के लिए ऐसा बयान दिया जा रहा है? डराने से कोई डरने वाला है क्या? अब कोई न डरने वाला है न कोई हारने वाला है, ये बीजेपी के जाने का काम शुरू हो गया है। और देश में संविधान को बचाने के लिए, डेमोक्रेसी लागू करने के लिए, जो डिक्टेटरशिप है, जो मनुवादी संविधान लागू करना चाहते हैं, उसके विरोध में ये 15 पार्टियों का विपक्षी एकता की बैठक शुरू हुई। और साथ ही साथ उसी दिन से परसों से भाजपा का उल्टी गिनती शुरू हो गया है और इसीलिए बहुत सारे लोगों को लूज मोशन भी शुरू हो गया है, तभी सब बोल रहे हैं। बोले बराती बुला लिया दूल्हा को, पते नहीं। अब कहिए शादी के पहले ही जैसे कि बच्चा के नाम रख दीजिए, वही बात आप खोज रहे हैं। चलिए, तो अभी आपने देखा जो राजद नेता उदय नारायण चौधरी है, उन्होंने विजय सिन्हा के बयानों पर पलटवार करते हुए साफ साफ कह दिया है कि बीजेपी के लोग ये भूल गए हैं क्या कि उनके नेता का रथ जो था वो लालू यादव ने ही रोका था, रोक के उनको जेल भेजा था। और वही नहीं, साफ साफ कहते दिख रहे हैं कि लालू यादव को देख के बीजेपी के जो लोग हैं उन लोगों का लूज मोशन स्टार्ट हो जाता है। और साफ साफ कहते दिख रहे हैं कि जो विपक्षी एकता का बैठक हुआ था उसी दिन से बीजेपी के जो लोग हैं उन लोगों का उल्टी गिनती शुरू हो गया। और साफ साफ कहते दिख रहे हैं कि ये लोग कहते हैं कि शादी हुआ नहीं और बच्चा का नाम रख दीजिए। तो कहीं ना कहीं उदय नारायण चौधरी ने बीजेपी को लेकर बड़ा बयान दिया और साफ साफ कहते दिख रहे हैं कि बीजेपी के लोग ये बातें भूल गए हैं कि उनके नेता का रथ जो था वो लालू प्रसाद यादव ने ही रोका था और रोक के उनको जेल में भेजा था। और भी क्या कुछ कहना था उदय नारायण चौधरी का, आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें, तब तक के धन्यवाद।